अग्रवाल मिनरल व श्रीकलस ग्राइंडिंग यूनिट पर सीएम फ्लाइंग के साथ संयुक्त टीम की छापेमारी। माइनिंग विभाग नारनौल को स्टॉक में मिली अनियमितताएं। पोल्यूशन विभाग ने भी अनियमितताएं मिलने के चलते दिए नोटिस जारी करने के आदेश। नारनौल के निजामपुर खंड में स्वास्थ्य केंद्र छिलरो के नजदीक स्थापित अग्रवाल मिनरल्स व श्रीकलस ग्राइंडिंग यूनिट पर सीएम फ्लाइंग के साथ सीआईडी विभाग नारनौल, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड धारूहेड़ा, माइनिंग डिपार्टमेंट नारनौल, बिजली विभाग नारनौल व जीएसटी के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता को बार बार शिकायतें मिल रही थी कि निजामपुर क्षेत्र में पत्थरों की 3 ग्राइंडिंग यूनिटों की परमिशन लेकर 8/9 यूनिट अवैध तरीके से चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता के डीएसपी राजेश चेची ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से मुख्यमंत्री उड़नदस्ते व खुफिया विभाग को निजामपुर में स्थित ग्राइंडिंग यूनिट पर अवैध रूप से पत्थर पिसाई, जीएसटी चोरी, पर्यावरण प्रदूषण की शिकायत उन्हें मिली थी। इस शिकायत के आधार पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ते के साथ टैक्सेशन विभाग, प्रदूषण विभाग, माइनिंग विभाग, विद्युत विभाग व खुफिया विभाग की संयुक्त टीम को साथ लेकर छापेमारी की। उन्होंने कहा कि छापेमारी के दौरान 2 ग्राइंडिंग यूनिट चलती मिली है। उन्होंने कहा कि संबंधित टीम के द्वारा अलग अलग प्रकार की जानकारी उनके द्वारा जुटाई जा रही है। जो खामियां संबंधित विभागों को मिली है उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस विषय में जब प्रदूषण विभाग के एसडीओ अनुज कुमार से बात की गई तो उन्हें बताया कि मौके पर यूनिट संचालक से यूनिट चलाने की परमिशन के कागज उन्हें मिले हैं, लेकिन प्लांटेशन की कमी उन्हें यहां मिली है और भी कुछ खामियां मिली है। उनके द्वारा नोटिस दिया जाएगा और समय रहते खामी पूरी नहीं की गई तो यूनिट को सील कर दिया जाएगा। वही जब पूरे मामले को लेकर खनन विभाग के इंस्पेक्टर तनु जोशी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें स्टॉक में कुछ कमियां मिली है जिसके चलते नोटिस दिया जाएगा, साथ ही जुर्माने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बहरहाल अब जो भी हो देखना यही होगा कि संबंधित विभागों द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। स्वास्थ्य केंद्र निजामपुर व शहर के नजदीक प्रदूषण करने वाली इस इकाई पर कितना अंकुश लग पाता है या यहाँ की जनता को प्रदूषण की समस्या से यूं ही दो चार होना पड़ेगा। आज मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम को एक सूचना मिली थी कि निजामपुर में एक क्रशर है जिसमें कुछ अनियमितताएं हैं, जिस पे संबंधित विभागों को साथ लेके वहां पे रेड की गई और चेकिंग के दौरान जो अनियमितता पाई गई उनकी, जैसे बिजली विभाग, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट और माइनिंग, चारों से ही वहाँ फिर वो कार्रवाई जो अमल में लाई गई है और उसमें जो विधिवत कार्रवाई आगे के नियमानुसार की जा रही है। ये पूरी इंस्पेक्शन सीएम फ्लाइंग स्क्वाड टीम के साथ करी गई है और बाकी सारे डिपार्टमेंट के भी इसमें ऑफिशियल थे, माइनिंग डिपार्टमेंट के, जीएसटी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिसर्स थे। उन्होंने सब ने अपने अपने डिपार्टमेंट्स के नॉर्म्स को आज वेरीफाई करा है इन 3 यूनिट्स के बारे में। इनका एक प्रीमिसेस में थी इसीलिए थोड़ा सा देखना पड़ा था अलग अलग यूनिट का कैसा कैसे नॉन कम्प्लायंसेज हैं, तो जिस जिस डिपार्टमेंट की जो जो नॉन कम्प्लायंसेज हैं उनके आगे वो एक्शन ले रहे हैं एज पर लॉ। क्या कोई कमियां मिली हैं आपको यहां पे? हाँ जी, जो कमियां हैं वो हमने अभी नोट कर ली हैं, वो इनको नोटिस की तरह आगे इनको दिया जाएगा। अगर वो ठीक नहीं करते तो फिर इनको बंद करा जाएगा। क्या कुछ कमियां नजर आई? कमियों के अंदर ज़्यादातर ये है कि इनके जो प्लांटेशन वगैरह है वो कम है, थोड़े से एज पर नॉर्म्स पूरे नहीं हैं, और इसकी स्प्रिंकलर्स वगैरह जो उनको करना होता है रोड डस्ट के लिए वो, और एक इनका प्लांटेशन का सामान तो जी, दूसरा जो है शहर के इतनी नज़दीक है तो हाँ वो कुछ नहीं है, वो हमसे परमिशन लेके चल रही हैं, लगी हुई हैं यहाँ पे, वो हमसे लॉ लगी हुई हैं, कोई इशू नहीं है उनमें हमारा। मैं तनु जोशी, माइनिंग इंस्पेक्टर नारनौल। देखिए ऐसा है कि सीएम फ्लाइंग का फ़ोन आया था एमओ सर के पास। एमओ सर के आदेश अनुसार हम यहाँ अग्रवाल मिनरल यूनिट को चेक करने आए थे। बाद हमने स्टॉक चेक किया, स्टॉक में हमें कुछ कमी पाई गई, उसके लिए हम उनको नोटिस जारी करेंगे। स्टॉक अगर हम ऑनलाइन पोर्टल पर चेक करते हैं तो उसमें जो पाया जाता है उससे जो अधिक हमने देखा है यहाँ, उसको उसके लिए हम जुर्माना इनके भरने के लिए इनको नोटिस देंगे।